जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को आज इसलिए बुलाना पड़ रहा है कि हमारे लालगंज नगर परिषद में एक बहुत बड़ा सड़क है, हमारे नगर के लिए बहुत प्रमुख पथ में से एक है, जो घघरा चौक से होकर नूनूबाव चौक, गांधी चौक, थाना रोड, जिया हाई स्कूल रोड, ब्लॉक रोड होते हुए जवाहर चौक तक जाती है। यह रास्ता काफ़ी जर्जर है और स्टेट हाईवे से यह सड़क को जोड़ने के लिए इस मुख्य रोड में लगभग नगर के जितने भी कार्यालय हैं, ब्लॉक कार्यालय हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, नगर पंचायत का कार्यालय हो, थाना हो, जिया हाई स्कूल हो, सभी संस्थान को इसी रोड के माध्यम से SH को जोड़ा जाता है। और इस इतना महत्वपूर्ण योजना का राशि हमारे 2018 में तत्कालीन नगर एवं आवास विभाग के मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी थे, उनसे नगर की टीम जाकर के कई एक बार मिलने का काम किया था, तो वहाँ से दो बड़ा सड़क का मांग किए थे, जिसमें एक सड़क था घघरा चौक नूनूबाव चौक से होते हुए गांधी चौक जवाहर चौक तक जाने वाली रास्ता, और एक रास्ता है पोझिया नहर से होकर नीम चौक होते हुए सिमनंदन सा चौक, राजेंद्र सा चौक होते हुए सीमा देहात तक जाने वाली रोड। दो सड़क का नगर विकास मंत्री उस समय हमारे सुरेश शर्मा जी थे, हमारे नगर परिषद लालगंज से मांगे थे। उस समय यहाँ तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार जी थे, उनके द्वारा ये दो रोड की सूची दी गई थी, जिसमें एक वो रोड था और एक ये रोड था। उसके बाद वहाँ से हुआ कि पहला फेज में इस रोड का काम कंप्लीट हो जाए, तो इस रोड के काम के लिए हमारे यहाँ 2018 में ही 4,31,00,000 रुपया विभाग के द्वारा हमारे नगर परिषद कार्यालय को मिला 2018 में। और दूसरी रोड जो थी पोझिया सेंटर से नीम चौक होते हुए शिवनंदन सा चौक, राजेंद्र सा चौक होते सीमा देहात तक के लिए 2,69,69,00,000 रुपया उसके लिए अथी हुआ, उससे बजट बना, उस पर इतना का सेंक्शन हुआ। उसको रोड के हुआ कि फर्स्ट फेज में इस रोड को होगा, चार साल पंचवा साल होने जा रहे हैं और यह पैसा इतना दिन रहने के बाद समझ में नहीं आया, हम लोगों को नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बनी जिसके वजह से पैसा को वापस कर दिया गया। एक इतना बड़ा रकम और इतना बड़ा सड़क का पैसा 4 साल रहने के बाद नगर में काम नहीं हो पाया, हम लोग समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लालगंज के लिए कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग इस बैठक की राशि वापस हो गई, इसकी जानकारी भी हम लोग को नहीं दिया गया था ऑफिस के माध्यम से, न सूचना दिया गया न पूछा गया। 10 फरवरी को हमारे माननीय सभापति महोदय जी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में हमारे माननीय पार्षद बबीता कुमारी जी वार्ड नंबर 4 से आए हैं। बबीता जी के द्वारा लिखित रूप से यह आवेदन ऑफिस कार्यालय को दिया गया कि 10 फरवरी 2023 को जो बोर्ड की बैठक है उस बैठक में इस विषय को जोड़ा जाए, इस रास्ता के लेकर के, चूँकि सभी लोगों को हम लोगों को जानकारी था कि 2018 से इसके लिए मद में पैसा भी उपलब्ध है, 4,31,00,000 रुपया, तो इतना दिन क्रियावरण नहीं हुआ उसका, इसके लिए उनके बबीता जी के द्वारा इस बात को उठाया गया, लेकिन हमारे किसी कारणवश बोर्ड के बैठक में उस पर हुई नहीं, चर्चा नहीं हुई, न विषय में लाया गया। 15 मार्च 2023 को अध्यपेक्षा बैठक जो होती है उस बैठक में यह विषय था, उस बैठक में हम लोग को जानकारी दिया जाता है कि यह राशि लौट गई। उस बैठक में हम लोगों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 2018 से अभी तक पैसा था, बोर्ड भी अब बन गई, उसके बाद भी किस परिस्थिति में चला गया पैसा यहाँ से, इस रोड का काम नहीं हुआ या यह योजना का काम नहीं हो पाया, किस कर्मचारी पदाधिकारी कर्मी के लापरवाही के वजह से यह योजना नहीं पूर्ण किया गया,
पैसा वापस हो गई, इसलिए हम लोग बोर्ड में भी उस दिन निर्णय लिए थे कि जिसके लापरवाही की वजह से यह इतनी बड़ी रकम वापस हुई है उस लापरवाह कर्मी को हम लोग बकसने नहीं जा रहे हैं। बोर्ड में भी यह निर्णय ले लिए हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से अगर नहीं होती है लापरवाह कर्मी पर, अगर कार्यालय के द्वारा नहीं होता है तो उस पर हम लोग बिल्कुल कड़ा एक्शन लेंगे, बोर्ड कड़ा एक्शन लेगी, उस दिन भी ली है। और हम लोग इसके लेकर के जब 15 को जानकारी हुई कि राशि उपलब्ध थी जो चली गई, उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्षद लोगों का बैठक किया, अनौपचारिक बैठक हम लोग किए, उसमें विचार विमर्श हम लोग किए कि इतना बड़ा राशि नगर परिषद कार्यालय में आया, 4 वर्ष रह करके चला गया, तो हम सभी पार्षद लोग बैठे तो उसमें यह निर्णय हुआ कि हम लोग 5 आदमी का कमिटी बना, कि 5 आदमी मिल करके, जिसमें एक हम खुद थे और हमारे नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं जो पार्षद है वार्ड नंबर 17 से, दिग्विजय प्रसाद चौसिया जी जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, बच्चा बाबू जी वार्ड नंबर 26 के पार्षद हैं, और वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रतिनिधि गब्बर गुप्ता जी, ये 5 लोगों का टीम बना। और कल हम लोग नगर विकास विभाग पहुँचे संबंधित माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर विधानसभा सत्र चल रहा है जिसका वजह से माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोग उनके कार्यालय गया और वहाँ जो भी अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे उनसे हम लोग की वार्ता हुई। एक हम लोगों ने आवेदन सभी लोग जाकर के कल वहाँ दिए, आश्वासन मिला है कि पैसा हम लोगों को बहुत जल्द उपलब्ध होगी, राशि को वापस कर दिया जाएगा। और मैं आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, शासन प्रशासन को यह कहना चाहते हैं, यदि इतनी बड़ी रकम, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 4,31,00,000 रुपया नगर में आया, 4 साल रह करके चल गया, यह बहुत बड़ा दुर्भाग है। और यह राशि यदि पुनः हम लोगों को नहीं मिलती है, 1 महीना के अंदर यदि यह राशि हम लोग को उपलब्ध नहीं होती है, तो हम लोग सभी मेंबर मिलकर के, सभी सम्मानित पार्षद महोदय के सहयोग से हम लोग इस पर चरणबद्ध तरीके से हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और जब तक यह राशि आएगी नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो इस पर पूछ सकते हैं, और हमारे साथी कई एक पार्षद लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि उन सब लोगों से भी अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप जो बोले कि कुछ दिनों में वो पैसा फिर वापस आ जाएगा, तो आखिर यहाँ नगर परिषद लालगंज से वापस करने वाले कर्मचारी कौन थे, इसकी कुछ जानकारी नहीं पाया? हम लोगों ने बोर्ड के बैठक में उस दिन स्पष्ट यह बोला था कि किनकी लापरवाही की वजह से यह राशि वापस गया और किस परिस्थिति में गया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि आखिर ऐसा लापरवाही क्यों हुई जो 4,31,00,000 रुपया, इतना मोटा रकम आने के बाद भी काम यहाँ नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है लालगंज के लिए। जो रकम वापस हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज आप लोगों को दिया गया? अभी तक हम लोगों को कार्यालय से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, मौखिक रूप से जानकारी दी गई है कि पैसा वापस हो गया, तो हम लोग ने लिखित रूप से माननीय मंत्री जी से कल मिलने पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिल पाए, तो हम लोग उनके कार्यालय में हम लोग अपना लेटर सौंप करके आए हैं, बात किए हैं। तो ये यहाँ के कार्यपालक अधिकारी हैं, उनको भी तो ब्यौरा देना चाहिए किसके, अभी तक कोई उनके तरफ सहयोग या सूचना नहीं दी गई है। उनको हम लोगों ने उनसे मिल करके बोला था कि इसके लिए और कार्यालय के भी माध्यम से पत्राचार किया जाए, लेकिन कार्यालय से अभी तक पत्राचार हुई है या नहीं हुई है हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये रकम वापस करने के लिए आप लोगों की नजरिए में सर्वप्रथम दोषी कौन होगा नगर परिषद का? निश्चित रूप से प्रशासन है, यहाँ का नगर का प्रशासन इसके लिए दोषी होगा ना। मान लीजिए इतना दिन से इतना मोटा रकम था और इसका काम अभी तक नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से कार्यालय इसके लिए दोषी होगी। कहा जा रहा है पहली अध्यक्ष बैठक में कहा गया सबको सार्वजनिक तौर पर एक तरह से कि पैसा वापस हो गया है, जाहिर सी बात है ये बात अगर वार्ड को पता है तो सभापति को ही पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा। सभापति की तरफ से इस पर कोई इनिशिएटिव लिया गया है, कुछ बात विचार चर्चा पता चल कुछ भी?
अभी तक हम लोग के ऐसा संज्ञान में नहीं है कि सभापति महोदय के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई हो रही है या उस पर क्या पहल उनके द्वारा किया जा रहा है, हम लोग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम सभी मेंबर लोग मिलकर के कल बैठे थे, निर्णय लिए और हम लोग विभाग भी कल गए। हाँ बिल्कुल सूचना दी गई, हाँ ऑफिस उनको जानकारी दी है, बोर्ड के बैठक में वो भी थे, जिस समय हम लोग को जानकारी दी गई उनके पर उस वो भी मौजूद थे वहाँ। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी जो है सभी में अनबन चल रही है, किसी बात को लेकर है, क्या मामला है? कोई अनबन नहीं चल रही, अनबन क्या चल रहा है, काम है, योजना है, जो फंड है उसके लिए काम हो, कोई अनबन नहीं है। फिर ये चार साल से जो रकम लालगंज में था वो अचानक बोर्ड बनते ही वापस क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए वही तो कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने बैठक में भी इस बात को माननीय पार्षद बबीता कुमारी के द्वारा यह उठाया गया, उस पर हम सभी लोगों ने मिलकर जो पुरजोर तरीका से उनका समर्थन किया मांग का, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो संबंधित जो भी लापरवाह कर्मचारी है उस पर कार्रवाई हो। पांच लोगों की जो आपने कमेटी बनाई है अलग से, जिसमें आपने जो नाम गिनाए? नहीं, कल हम लोग जाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाए थे, उसमें तीन वार्ड है, दो वार्ड प्रतिनिधि है। हाँ तीन, हम लोग स्वयं पार्षद है और दो पार्षद प्रतिनिधि है, एक कल के लिए पटना माने विभाग जाने के लिए प्रतिनिधि मंडल हम लोग ने पांच आदमी का बनाया। विभाग के द्वारा क्या बताया गया है, रकम फिर वहां से पटना से वापस करेगा लालगंज को कैसे करेगा क्या? विभाग के द्वारा हम लोग को बताया गया कि कार्यालय को आप लोग बताइए और किस वजह से पैसा वापस हुआ है, इसका कारण और जो यहाँ से पैसा वापस की गई है उसकी एक छाया प्रति के साथ, वो बोला है कि फिर से प्रत्याचार करने के लिए बोलिए, फिर यदि हम लोग के पास फंड उपलब्ध होगा तो हम लोग देंगे। जो पदाधिकारी चार वर्ष उस पैसा को रख के रिफंड कर देते हैं, क्या वो पुनः पत्राचार करेंगे उस पैसा को रिफंड करवाने के लिए? यही तो हम लोग चाह रहे हैं, यदि नहीं करेंगे तो हम लोग ने स्पष्ट आपको बोला, अभी भी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है पैसा जो वापस गया उसके वापस नगर परिषद में वापस आने की संभावना कितनी लग रही है? हम लोग प्रयास करेंगे, यह बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और मुझे लगता है कि यह सड़क राजनीति का बलि चढ़ा है, चार सालों में इसका काम नहीं होना कहीं ना कहीं राजनीति के वजह से नहीं हुआ है। अभी तक पैसा वापसी का सिर्फ मौखिक रूप से जानकारी दी गई, कहीं से कोई दस्तावेज दिखाया गया है नगर परिषद? नहीं, दस्तावेज अभी तक नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये जानकारी ऑफिस के द्वारा हम लोग उस दिन बैठक में 15 तारीख को पता चला, यह इतना मोटा रकम था जो वापस चला गया। क्या लगता है इसमें संभावना राजनीति का भेद चढ़ा? तो कोई भी नहीं कह रहा ना कि पैसा वापस गया है कि नहीं गया। नहीं गया है, दस्तावेज नहीं दी गई है, लेकिन कार्यालय के द्वारा जानकारी हम लोग को दी जा रही है कि चला गया। आप कह रहे हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ गई सड़क, क्या लगता है कि जो पूर्व से नगर परिषद पे हावी थे उन लोगों की भेंट चढ़ गई है या फिर जो नए आए हैं उनके भेंट चढ़ गई? ताकि जो सत्ता सिस्टम चलाएंगे उन्हीं का ना भेंट चढ़ेगा। अगर पहले से यदि कोई लोग हैं आसीन यहाँ, आज हम मान लीजिए पार्षद चुन के आए हैं, यदि मेरे रीजन में हमारे क्षेत्र में यदि कोई काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए। यदि कोई काम हमारे क्षेत्र में होता है तो उसका क्रेडिट हम लेते हैं कि मेरे वजह से यह काम हुआ है, हम नहीं होते तो लालगंज का कल्याण नहीं होता, तो आज ये रकम आई और वापस चलेगा तो उसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए। चर्चा ये भी है कि जिन लोगों ने पैसे मंगवाए उन्हीं के प्रयास से वापस भी हुआ है, क्योंकि जो दूसरे आगे जीत के चुनाव के बाद, आपको इसमें कितना अंदेशा लग रहा है पहले की गंदी राजनीति पे और अभी के वर्तमान प्रदेश में? कहीं ना कहीं इसमें सतता है, यही वजह है कि चार साल तक राशि रुक रहा यहाँ और काम नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथी पार्षद महोदय लोग भी यहाँ हैं, साथी पार्षद प्रतिनिधि लोग हैं, यदि इन लोगों से भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सभी लोग हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।